Hi friends, welcome back to my channel. So today we'll see how to grow and care for Mexican heather. ये प्लांट जो आप देख रहे हैं इसका नाम है मैक्सिकन हेदर। इसे हम फॉल्स हेदर भी कहते हैं। ये मेक्सिको से है, दिस इज नेटिव टू मेक्सिको। और ये फुली सनलाइट में रहता है, इसे धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। और अपने गर्मियों में अपने गार्डन में कलर्स लाने के लिए बहुत ही प्यारा है। तो आज हम देखते हैं हम इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये है इसकी सीड्स, बहुत छोटे छोटे से हैं। ये छोटे छोटे राउंड राउंड इसकी सीड्स है जो मैंने इन प्लांट से ही निकाला है। आई हैव फिल्ड द स्पॉट विद नॉर्मल गार्डन सॉइल एंड सैंड, मोर ऑफ सैंड एंड लेस ऑफ गार्डन सॉइल। मैंने इसे गार्डन सॉइल और सैंड से इस स्पॉट को भर दिया है। अब हम इसमें सीड्स को स्प्रिंकल कर देंगे जस्ट नॉर्मली। अब आप इसे ऊपर से थोड़ी सी कवर कर दें। और सीड ट्रे मेथड ही मैं यूज़ करती हूँ, इसमें पानी भरकर और कीप दिस इनसाइड। और आप इसे धूप में रख दें, कीप दिस इन सनलाइट। मैक्सिकन हेदर को सीड से बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं, 8 to 10 days लग सकते हैं। इट विल टेक अबाउट 8 to 10 days फॉर द सीड्स टू कम अप। दिस प्लांट्स लाइक टू थ्राइव इन फुल सनलाइट। यू कैन कीप दिस इन लोकेशन वेयर यू गेट फुल सनलाइट फॉर 4 to 6 hours एटलीस्ट। बट इफ़ यू वॉन्ट डार्कर कलर फॉलिएज like these, you can see how dark and how rich the color is. So if you want dark leaves then you can keep this in partial shade. Friends, आप इसे पूरी धूप में भी रख सकते हैं और इसे हल्की शेड वाली जगह पे भी रख सकते हैं। आप पानी इसे तभी दें जब इसकी टॉप लेयर ड्राई हो जाए, पर आप इसकी सॉइल कभी पूरी कम्प्लीटली ड्राई ना होने दें। आप इसे सीड से तो ग्रो करना मैंने सिखा ही दिया है, आप इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर इसकी ये जो ब्रांचेस किसी भी सॉइल में आप ऐसे रह जाए तो उसमें भी रूट्स आ सकते हैं, आप उससे भी इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट 1 से 2 साल में मर जाती है, पर देखिए ये इतनी रीसीड करती है, दिस रीसीड्स रीडली। ये छोटे छोटे इसके प्लांट्स निकल आते हैं, तो जब ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप इसे दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब तरफ से सीड से इनकी साइड से ग्रोथ होती रहती। गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसे नॉर्मल सॉइल में भी रख सकते हैं, इसे कोई ज़्यादा फर्टिलाइज सॉइल की ज़रूरत नहीं है। आप इसे महीने में एक बार फर्टिलाइज कर सकते हैं लाइटली, और विंटर टाइम में इसे फर्टिलाइज ना करें। ये रहा फ्रेंड्स, आई गॉट दिस, कैन यू सी दिस?
this stem has roots over here. So when you take this out with roots and plant it in another pot, you'll get a new plant. आप इसे अगर यहाँ से इसे काट दें और रूट्स के साथ बाहर निकालें और इसे दूसरी पॉट में लगा दें तो आपको एक दूसरी प्लांट मिल जाएगी. एक मेथड ये भी है इसे प्रोपोगेट करने का. नाउ आई विल शो यू सम सीडलिंग्स विच आई ग्रीव. कैन यू सी दिस? नॉट द टॉल वंस, लीविंग द टॉल वंस असाइड, दीज the short ones, these are of Mexican heather. I had grown last month. फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये बड़ी वाली तो विंका की है. ये जो छोटी छोटी आप देख सकते हैं ये सब मैक्सिकन हैदर की ही है. मैंने पिछले मंथ इसे लगाया था और ये बाहर आ गई. और इसमें भी एक है, मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ. कैन यू सी दिस? ऑल ग्रोन अप. दिस वॉज ऑल्सो ग्रोन बाई सीड. इसे भी मैंने फ्रेंड्स सीड से ही ग्रो किया था. ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था, प्लांट होता है कि नहीं, पर ये अच्छे से चल पड़ा. तो फ्रेंड्स आप भी ग्रो करें. टिल देन.